मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए क्या चाहिए? समझो, आपने जब रोटी बनानी सीखी थी, आपको रोटी बनानी नहीं आती थी, तो आपने रोटी बनाने का क्या किया था? जोर से, अभ्यास। आपने गाड़ी चलाने का पहले पहले क्या किया था? साइकिल चलाने का क्या किया था? छोटे से थे तो चलने का क्या करते थे? हाँ, अभ्यास किया आपने, तो आपको पढ़ना लिखना चलना फिरना दौड़ना खेलना कूदना प्लेन उड़ाना ट्रेन चलाना गाड़ी चलाना सब कुछ जो भी आपको मिली है वो सब किससे? अभ्यास से। जो भी आपने सीखा है, हम लोगों को हिंदी आती है इंग्लिश आती है तो हमने सीखा है ना, अभ्यास किया है तो आती है भाषा, वरना बोलना तो आ जाए, लिखना पढ़ना नहीं आ सकता। लिखना पढ़ना तभी आएगा जब आपने अभ्यास किया होगा, हाँ या ना? तो बिना अभ्यास के आपको भाषा नहीं आ सकती। तो बिना अभ्यास, आपने हर चीज के लिए अभ्यास किया है, बताओ क्या आपने अपने मन को स्थिर करने के लिए कोई अभ्यास किया है? किया भी तक कोई अभ्यास नहीं किया। जब अभ्यास करोगे ही नहीं तो मन कंट्रोल कैसे होगा? हम अभ्यास करते हैं अपने मन को कंट्रोल करने का, अभी हमारा भी मन बस में नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन अभ्यास में लगे हैं। पहले की अपेक्षा अब हमारा मन पहले की अपेक्षा कंट्रोल में है। पहले यदि 100% भागता था तो अब 30% कंट्रोलिंग है, 70% अभी परेशान खुला है मन। अब ये 70% को भी धीरे धीरे अभ्यास से आप कंट्रोल करते करते जब पूर्ण रूप से अपने मन को बस में करके मन के ऊपर आप बैठ जाएंगे, जब मन को जीत लेंगे तो भगवान को ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मन को जीतने वाले के सामने भगवान खड़े होते हैं, उसे दर्शन होते हैं भगवान के। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। पूरी फसाद की जड़ कौन है? मन है। आपका मन कितने परसेंट खुला हुआ है? 100% या कुछ परसेंट आपने कंट्रोल किया है? बोलो मेरी माँ। पहले हमारा मन भी बहुत परेशान करता था, यहाँ वहां जाना, लेकिन मैंने धीरे धीरे, पहले मेरा मन जब मैं छोटा था ना, मेरा मन बहुत घूमने का होता था, कहीं ये इच्छाएं कहीं वो इच्छाएं, रोज एक नई इच्छा लेके मन आता था, रोज एक नई डिमांड मन लाता था। मुझे लगा ये मन तो मुझे परेशान कर रहा, फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे अपने मन की हर बात मैंने इग्नोर करनी सीख ली। मन की बात मानोगे, अच्छा बच्चे की जिद पूरी करोगे तो बच्चा और जिद्दी होगा या बच्चे की जिद खत्म हो जाएगी? बच्चे की जिद पूरी करोगे तो बच्चा बिगड़ेगा कि सुधरेगा? जोर से, बच्चे की जिद पूरी करना सही है या गलत है? जोर से, हाँ, बच्चे की सारी जिद पूरी करोगे और जिद्दी होता चले जाएगा, आपको परेशान करेगा। इसलिए मन भी बच्चे की तरह है, हर इच्छाएं पूरी करना जरूरी नहीं है, मन तो बहुत कुछ चाहता है। क्या क्या पूरी कराओगे? थोड़ा मन को समझाया करो, मन को सिखाया करो। रे मन, रे मन, तू सत्संग कर, कहां भाग रहा, चल कथा में लग, चल कीर्तन में लग। अब मैंने कंट्रोल किया तो मेरा मन अब कोई नई डिमांड लेकर नहीं आता, कोई नई इच्छा लेकर नहीं आता, बल्कि जो इच्छाएं थी आधे से ज्यादा उन इच्छाओं का अंत हो गया है। हाँ, अभी भी मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, उन पर भी मैं काम कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ये बुराई भी समाप्त हो जाए। धीरे धीरे मैं किस पर काम कर रहा हूँ? स्वयं पर काम कर रहा हूँ, स्वयं पर वर्क कर रहा हूँ। मैं किसी और की बुराई कभी नहीं देखता, मैं कभी किसी की बुराई नहीं देखता, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता, क्योंकि मैं खुद बुरा हूँ, मैं औरों को क्या बुरा कहूंगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना। हम किसी की बुराई नहीं देखते, हम अपनी बुराई देखते हैं, और सिर्फ देखते नहीं हैं, अपने आप को सुधारते हैं। अब आप हमसे पूछो कि महाराज जी आपको क्या देखने की इच्छा है, क्या घूमने की इच्छा है, पूछ लो आप लोग। अब हमारी कुछ देखने की इच्छा नहीं है,
किसी को ये देखने का मन, वो देखने का मन, हमारी अब कोई चीज देखने की मन, देखने का मन नहीं। अरे जिनकी आंखों ने बिहारी जी को देख लिया हो तो बिहारी जी को देखने के बाद भी कुछ देखना बाकी रह जाता है क्या? जिसने गौरी गोपाल भगवान को देख लिया हो क्या उनके बाद भी कुछ देखना शेष रह गया? जिन्होंने राधा रमण जी को देख लिया हो क्या उनको देखने के बाद, जिन्होंने रंगनाथ भगवान को, तिरुपति वाला जी को, द्वारिकाधीश जी को, जगन्नाथ जी को देख लिया हो, क्या इन्हें देखने के बाद भी संसार में और कुछ देखना अब बाकी है क्या? कुछ इच्छाएं नहीं है। पहले बहुत घूमने की इच्छाएं हुआ करती थी, पर मन को मैंने समझा समझा के, मार मार के, चल मन चल कहां भाग रहा, समझा समझा के मैंने कंट्रोल किया है अपने मन को। यदि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और हमारे बड़े बड़े साधु संतों ने क्या किया है, हम ये नहीं कहते 100% तुम मन को जीत लो, कोई जीतना बड़ा कठिन है, पर अधिक से अधिक परसेंट तो जीत लो, जो मन बचे उसे भगवान के हवाले कर दो। हे प्रभु अब इतना नहीं सुधर रहा, इसे आप सुधार लो, इसे आप ठीक करो, अब ये हमारे से नहीं ठीक होगा, जितना आपसे हो सके आप ठीक कर लो, ना होए तो प्रभु के चरणों में डाल लो, भगवान ठीक करेंगे उसको, सबसे हटाएंगे। तो मन को अभ्यास से, मैंने अभ्यास किया। अच्छा पहले मेरा मन खाने पीने में ज्यादा जाता था, पहले मैं बहुत खाता था, पहले घूमने का मन बहुत था, देखने का मन बहुत था, वहां से मैंने मन को हटाया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है घूमने घामने की। फिर मेरा मन खाने पीने में, ये खाना वो खाना, ये अच्छा वो अच्छा, फिर मैंने धीरे धीरे खाने से भी मन को हटाया, अब मैं अपने मन को ज्यादा से ज्यादा अंकुरित अनाज ही देता हूँ। अब घूम ले कहाँ जाएगा बेटा, भाग के खा, अंकुरित दाल, अंकुरित चने, सलाद, ककड़ी खवाता हूँ, मूली खवाता हूँ, खा, बड़ा रसगुल्ला खाता था, बड़ी रबड़ी खाता था, अब ये खा। हाँ अब मैं अपने मन को उसके मन की नहीं करने देता, अब हम अपने मन को अपने मन की नहीं करने देते, अब हम मन को ठीक ठीक खवाते हैं। पहले तो कुछ भी मन जाता था कहीं भी, अब धीरे धीरे हमने खाने से, पहले मैं बहुत सोता था, फिर धीरे धीरे मुझे लगा मेरा मन तो बहुत ज्यादा आलसी हो जाएगा, फिर मैंने अपने मन को कहा ज्यादा सोना नहीं, काम ज्यादा करना है, कर्म ज्यादा करना है, अच्छे काम करो बस। मैंने सोने से भी कटौती कर ली, पहले दिन में सोता था। ये बातें कम से कम मैं 10 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ, 10 साल पहले मेरा मन ऐसा था, फिर 10 साल से मैंने मन को कंट्रोल किया तो अब जाके 30-40% मन मेरा ठीक हुआ है। सालों लगते हैं, सालों, ऐसा नहीं कि आज ही आपने सोचा और कल ही आपका मन आपके मुट्ठी में, ऐसा नहीं, सालों लगेंगे। इसलिए कहता हूँ जल्दी शादी वादी कर लो, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो और मन धीरे धीरे हटाओ सब जगह से, है ना, जिम्मेदारियां भी करनी पूरी है भैया, अब जिम्मेदारियां भी तो सामने, वो भी करनी है, जिम्मेदारियां पूरी करो, कर्म पूरा करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, पर मन सबसे हटाकर भगवान में लगाओ।